तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जीमेल आईडी का पासवर्ड हम कैसे दोबारा बना सकते हैं। अगर जीमेल आईडी का पासवर्ड हम भूल जाते हैं, उसको दोबारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हम लोग किसी और से जीमेल आईडी बनवाते हैं, वो लोग अक्सर जो है जीमेल आईडी और जीमेल का पासवर्ड दोनों भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम मोबाइल बेच देते हैं, दूसरा नया मोबाइल लेते हैं, और उसमें फिर जब हम प्ले स्टोर ओपन करने जाते हैं, तो उसमें क्या है, जीमेल आईडी दोबारा बनवाना पड़ता है, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं होता है, ना पासवर्ड याद होता है, ना जीमेल आईडी याद होता है। इसलिए दोबारा जीमेल आईडी बनवाना पड़ता है किसी से, या फिर जब हम रिसेट मारते हैं मोबाइल को, फिर दोबारा प्ले स्टोर ओपन करने के लिए फिर हमें पासवर्ड जीमेल आईडी बनवाना पड़ता है किसी से। तो हम अगर कहें तो फ्रेंड्स कि अगर आप बार बार जीमेल आईडी ना बनाए तो ही अच्छा है। अगर आप जीमेल आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीमेल आईडी भी अगर आप भूल गए तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ पहले से, तो वो वीडियो देख के आप आपका जीमेल आईडी दोबारा पा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में तो आपको बताइए, हम पासवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पासवर्ड हम कैसे दोबारा नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक टीवी में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है साइन इन जीमेल। साइन इन जीमेल लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे ये देखिए, साइन इन गूगल अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे वो जीमेल आईडी आप टाइप करिए जिसका पासवर्ड आप भूल गए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप जीमेल आईडी भी भूल गए तो इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और जीमेल आईडी आप दोबारा पा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड देने के लिए बोला जा रहा है। तो पासवर्ड हम भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते आपके सामने एक पेज और ओपन होता है। यहाँ पे ये देखिए, इंटर लास्ट पासवर्ड, लास्ट पासवर्ड अगर आपको याद है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, वरना ट्राई अनदर वे, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते ही जिस आईडी का आप बना रहे हो पासवर्ड, वो जीमेल आईडी अगर आपके उसी मोबाइल में साइन इन है तो वो बता देगा। ये देखिए, मेरा इसी में साइन इन है इसलिए बता दे लिख के आ रहा है। तो हम इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। आपको ट्राई अनदर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो नंबर आपने जीमेल आईडी बनाते समय दिए थे, वो नंबर यहाँ पे आप टाइप करिए। टाइप करने के बाद सेंड पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे नंबर टाइप करके सेंड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे इंटर द कोड, यहाँ पे कोड आपको देने के लिए बोला जा रहा है। जो नंबर आपने दिया था उस नंबर पे कोड गया है, वो कोड यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम कोड टाइप कर देते हैं। और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज और ओपन होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यहाँ पे ध्यान से आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आपको लेटर भी डालना है और संख्या भी डालना है और कुछ प्लस माइनस ये सब जो होता है अंक में, ये देखिए, ये सब भी डालना होता है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने ये देखिए, 1122, उसके बाद ये डाल दिया, उसके बाद ये डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार कंफर्म कर देता हूँ, 1122QQ, उसके बाद जो है ये, और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए, आपका जीमेल आईडी
का पासवर्ड नया बन गया। तो आप अब कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप उसको साइन आउट कर सकते हैं। तो हम इसको साइन आउट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।